श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का हिंदू धर्म में बेहद महत्व है। इसी शुभ दिन पर भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ अवसर पर भक्तजन व्रत रखते हैं और भावपूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। ये पर्व हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ कामों के लिए वर्जित किया गया है। चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या करें? जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय उनकी प्रिय चीजें जैसे मोरपंख, गाय के दूध से बनी खीर, पंचामृत, मिठाई, माखन, मिश्री आदि का भोग जरूर लगाएं। जन्माष्टमी पूजा करते समय शंख का प्रयोग जरूर करें और इसी के माध्यम से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद अपनी मनोकामना को मन में कहते हुए श्री कृष्ण को झूला जरूर झुलाएं। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यदि संभव हो तो उनके जन्म होने की खुशी में भजन कीर्तन और जागरण जरूर करें। इसके अलावा श्री कृष्ण के जन्म के वक्त यानी आधी रात तक व्रत रखना चाहिए और कोई भी भोजन पहले ना करे। वहीं भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का प्रसाद चढ़ाने के बाद व्रत के बाद स्वयं भी यही प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोले। अब चलिए आपको बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में भूल कर भी बासी या मुरझाए फूल का प्रयोग ना करें। अगर संभव हो तो पूजा में कमल का फूल जरूर चढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण को गाय से बहुत प्रेम था, ऐसे में जन्माष्टमी के पर्व पर भूल कर भी गोवंश को मारना या सताना नहीं चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत को रखने वालों को भूल कर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस पावन व्रत को रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज, मांस, शराब जैसी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं इस दिन काले रंग के वस्त्र से भी दूरी बनाकर रखें। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।